सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है, जिसके बाद टीम के सदस्य निशा वारसी के घर में जश्न का माहौल है। परिवार को उम्मीद है कि अब की बार उनकी बेटी की अगुवाई में टीम देश के लिए मेडल जरूर लेकर आएगी और देश के साथ साथ उनका भी नाम रोशन करेगी। परिवार ने टीम इंडिया और देश के नाम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां भी बांटी। निशा के पिता सौरभ, माँ महरूम, बहन नगमा और चाचा ने कहा उनको उम्मीद थी कि देश के लिए खेल रही उनकी बेटी बहुत अच्छा करेगी और विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निशा के पिता ने कहा कि जब सुबह उनकी बेटी से बात हुई थी तो वो कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और उन्होंने इस बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा खेलकर ये साबित कर दिया है कि भारत भी ओलंपिक में पदक ला सकता है। निशा की मां महरूम और बहन नगमा ने कहा कि हमारे साथ साथ अब पूरे देश को उम्मीद है कि हमारी टीम इस बार गोल्ड मेडल लेकर आएगी। और हमारी सुबह निशा से बात हुई थी, वो थोड़ा नर्वस थी लेकिन हमने उसका हौसला बढ़ाया और आज हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है कि वो देश के लिए अब गोल्ड मेडल की उम्मीद बन गई है। निशा के चाचा ने कहा कि आज इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि उनकी बेटी की अगुवाई में हमारी देश की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि क्वार्टर फाइनल जीत का अब सेमीफाइनल में भी हमारी टीम जीतेगी और देश के लिए मेडल पक्का करेगी। वहीं जब वो खेल रही थी तो उनको उम्मीद नहीं थी कि एक दिन निशा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेगी और देश के लिए मेडल पक्का करेगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। पहले की बात बताऊं मैं आपको कि जब इन लोगों ने 3 मैच लगातार हारे तो उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें हम लोग की कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने वापस कमबैक किया है और जो आज का उनका प्रदर्शन है तो हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं। एंड आई विश, वी ऑल विश कि हम लोग जीतेंगे और गोल्ड लेके आएंगे। सीमा से कुछ बात, मनीषा से कुछ बात हुई हो पहले मैच से पहले? हाँ सर, मॉर्निंग में बात हुई थी उससे हमारी। क्या कह रही थी? तो थोड़ा सा नर्वस थी इस चीज़ को लेके कि बहुत बड़ी वर्ल्ड चैंपियन टीम आपके सामने है, उसको आपके फेस करना है। तो पूरी जो हमारा परिवार है उन्होंने उसको यही कहा कि कोई बात नहीं, हर चीज़ का अपना एक लेवल होता है, आप खेलो और जीतोगे, लेकिन नर्वस नहीं होना, प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को। तो वो चीज़ उसको काम आई एंड पूरी टीम ने 100% दिया और रिजल्ट सबके सामने है आज का। जी, किस तरह से सेलिब्रेट करोगे जब आएगी निशा? सर सेलिब्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, आज भी सेलिब्रेशन हम लोगों का शुरू हो चुका है और पूरा जो हरियाणा है, हमारा जो पूरा भारत है, उसका सेलिब्रेशन आज शुरू हुआ है। और आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं कि वो गोल्ड, वो चमकता हुआ हमारे पास आए और उसके बाद जो सेलिब्रेशन होगा वो सबके सामने होगा। बहुत अच्छा हुआ है ये, हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हैं और काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं अपने बच्चों से, अपने देश के लिए, ये देश का नाम रोशन करें। निशा से बात हुई थी जी? क्या कह रही थी निशा? बस यही कह रही थी कि मम्मी दुआ करना कि हम इस टीम से जीत जाएं। उनका बेटा बेफिक्र होकर खेलो, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और जीत कर आओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आज बड़ी इससे ज़्यादा खुशी और कोई हो ही नहीं सकती कि आज हमारी बेटी निशा जो इस मुकाम पर पहुँची है और पूरी टीम, उनके पूरी टीम को आज पूरी बधाई देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे जो है खेलती रहें और आगे ऐसी इसी तरीके से बढ़ती रहें और इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल जीता है तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीत के आऊँ, वो फाइनल भी और गोल्ड मेडल लेके आऊँ। क्या कभी सोचा था कि बेटी ओलंपिक खेलने जाएगी? ये सोचा तो नहीं था लेकिन एक उम्मीदें थी जब जिस टाइम से वो जा रही थी, शुरू से बचपन से 5-6 साल से वो स्टार्टिंग में जा रही। परिवार में कैसे पली बड़ी है, कैसे वो परिवार, तो हालत तो देख लो आप जिस टाइम जैसे हैं, गरीबी की हालत उस टाइम पे भी, तो इस टाइम पे तो फिर भी थोड़ा से लगा लो, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही गलत बेकार हालत थे, सही नहीं थे। कितने गज के मकान में निशा का परिवार रहता है? ये देख लो आपके 25 गज के मकान में है ना, हालत तो किराए पे, पहले पे किराए पे रहते थे, माँ मजदूरी करती थी हैं तो बाप भी मजदूरी। जो मैच था उससे पहले निशा से बात हुई थी आप लोगों की? नहीं, हमारी नहीं हुई, इनके पापा की बात हुई थी निशा से, समझे? तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसी कामयाबी मिलती रहे। 100% शोर है आज, हम ये खुशी बयान नहीं कर सकते सर, बहुत ज़्यादा खुशी है आज। क्या नाम है, जो सपना जो हम सजा रखा है हमने, वो पूरा होने जा रहा है आज। 100% बेटी से पहले बात हुई हो? बेटी से आज बात हुई थी सुबह, थोड़ी सी प्रेशर में थी वो, लेकिन हमने उसको कमबैक किया कि ऐसा मत कर बेटे, ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जीत कर आओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तुम्हारे साथ, दुआएं तुम्हारे साथ है सबकी, पूरा देश दुआएं मांग रहा है, हम ही नहीं,
जितने भी बच्चे गए सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीत कर आएँ। तो पूरा हिंदुस्तान आपके पीछे दुआएं मांग रहा है और अपने बच्चों के लिए ये मनोकामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे गोल्ड लेकर आएँ। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है सर।